बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मुनज़्ज़ा खान। लेट्स स्टार्ट अ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर डेटाबेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 2 इन बुक। यू कैन फॉलो दिस बुक फॉर योर असाइनमेंट, फॉर योर नोट्स। जैसा कि इस बुक से पहले भी मैं आपको एक लेक्चर दे चुकी हूँ, इस बुक से आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, डेटाबेस एनवायरनमेंट। डेटाबेस एनवायरनमेंट किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, क्या है डेटाबेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस आई डोंट थिंक सो कि मुझे उसको दोबारा से डिफाइन करने की ज़रूरत है। आई होप यू पीपल बी वेरी क्लियर अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स। प्रीवियस लेक्चर्स में इसकी मैं डिटेल आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। लेट्स रिकॉल द मेन टॉपिक, व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस क्या है? वो डेटाबेस हम उस कहते हैं जो हमारा रिकॉर्ड है, वो हमारे पास डेटाबेस है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस डेटाबेस को हैंडल कर रही है, दिस इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक स्ट्रक्चर है, थ्री लेवल आर्किटेक्चर। व्हाट इज़ थ्री लेवल आर्किटेक्चर? थ्री लेवल आर्किटेक्चर को लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, उसको थोड़ा ब्रीफली अब हम एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज़ थ्री लेवल आर्किटेक्चर? ये थ्री लेवल आर्किटेक्चर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, मॉडर्न डेटाबेस का, जिसपे हम अपने डेटा को स्टोर करवा रहे हैं, अपने डेटा को सेव करवा रहे हैं, या अपने डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं। डेटाबेस ये थ्री लेवल आर्किटेक्चर कब स्टार्ट हुआ था, डेटाबेस सिस्टम वोकेबलरी एंड आर्किटेक्चर फॉर डेटाबेस सिस्टम इन 1971 में ये स्टार्ट हुआ था। रिजल्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स वाज द थ्री लेवल आर्किटेक्चर। थ्री लेवल आर्किटेक्चर इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस कैन बी व्यूड एट थ्री लेवल्स। द थ्री लेवल्स आर डिसाइडेड बाय थ्री मॉडल्स नॉन एज थ्री लेवल स्कीमा। वो जो थ्री लेवल आर्किटेक्चर डिसाइड किया गया था, उस टाइम में डिज़ाइन किया गया था, उसको हम थ्री लेवल स्कीमा के नेम से भी कॉल करते हैं। द मॉडल्स रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, नॉट द डेटा स्टोर्ड इन इट। ये जो मॉडल्स हैं रेफर कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को, नॉट द डेटा स्टोर्ड इन इट। ये थ्री लेवल आर्किटेक्चर सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आप अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं, ये इट्सेल्फ डेटा नहीं है। द परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नॉन एज इंटेंशन ऑफ डेटाबेस, एंड द डेटा स्टोर्ड एट अ गिवन टाइम इज नॉन एज एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं उसने डिफाइन की हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम उसमें डेटा स्टोर करेंगे, वो इंटेंशन ऑफ डेटाबेस है और डेटाबेस स्कीमा है। बट द डेटा स्टोर जहाँ पे किया जाता है एट अ गिवन टाइम इज नॉन एज एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस और डेटाबेस इंस्टेंस। द इंटेंशन ऑफ डेटाबेस शुड नॉट बी चेंज्ड वंस इट हैज़ बीन डिफाइंड, क्योंकि स्ट्रक्चर जब भी आप डिज़ाइन करते हो किसी भी मेथड का, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, वो फॉर्मेट एक दफ़ा डिज़ाइन करने के बाद अगर हम उसे चेंजिंग्स करेंगे तो इट विल बी कॉज डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़, वो उसमें हमें डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी होंगी। इस वजह से अगर एक स्ट्रक्चर एक दफ़ा डिज़ाइन किया जा चुका है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इफ़ इट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। सेम उसी तरह से है, इंटेंशन ऑफ डेटाबेस अगर डिफाइन की जा चुकी है तो वंस इट हैज़ बीन डिज़ाइंड इट कैन नॉट बी चेंज। दिस इज़ बिकॉज अ स्मॉल चेंज इन इंटेंशन ऑफ डेटाबेस मे रिक्वायर मैनी चेंजेस टू द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। द एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस इज परफॉर्म्ड आफ्टर द इंटेंशन ऑफ डेटाबेस हैज़ बीन फाइनलाइज। जब तक उसकी इंटेंशन फाइनलाइज नहीं हो जाती, उसका स्ट्रक्चर फाइनलाइज नहीं हो जाता, तब तक हम डेटाबेस में एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस नहीं कर सकते, मीन्स डाटा स्टोर नहीं कर सकते। द एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स डिफाइंड इन इंटेंशन ऑफ डेटाबेस। जो भी रूल्स जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसमें डिफाइन किए जा चुके हैं, अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स वी कैन इंसर्ट डाटा, वी कैन स्टोर डाटा, लाइक जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ डाटा भी कह सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डाटा किस रूल्स को फॉलो करेगा? इंटेंशन ऑफ डाटा को। द स्कीमाज आर यूज टू स्टोर definitions of the structure of database. It can be anything like a single entity or the whole world organization, whole organization. वो कोई भी single entity हो सकती है, whole organization का data हो सकता है, whatever the data small हो या large हो, whole organization का हो या small instance का हो, वो data
जब हम सेव करेंगे तो वो उस रूल को फॉलो करेगा, मींस वो इंटेंशन को फॉलो करेगा, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। थ्री लेवल आर्किटेक्चर डिफाइंस डिफरेंट स्कीमा स्टोर्ड एट डिफरेंट लेवल्स टू आइसोलेट द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम वन अनदर। ये जो थ्री लेवल आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया, ये इसलिए डिज़ाइन किया गया था सो दैट कि हम उसके रूल्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, उसके स्ट्रक्चर को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, उसके स्ट्रक्चर को इजीली हम उसे बना सकें। अब इसमें देखिए, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल एंड द लास्ट इज फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन। फिगर थ्री लेवल आर्किटेक्चर में देखिए, एक्सटर्नल लेवल में यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र एन, वो सो मैनी यूज़र्स हो सकते हैं। वो अपने व्यू में, अपने यूज़र मतलब जो भी उसका पर्सपेक्टिव होगा, वो उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग उस डाटा को व्यू करेंगे। मीन्स टू से वो व्यू या उसके पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते हैं, बट हमारा लेवल या उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। एक्सटर्नल लेवल, उसके बाद है कंसेप्चुअल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल के बाद इंटरनल लेवल एंड देन डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? कॉर्पोरेट डेटाबेस, जैसा कि पहले बताई जा चुकी है आपको, बेसिक डेटाबेस जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करेंगे, उसको हम फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन या डेटाबेस, कॉर्पोरेट डेटाबेस के नेम से कॉल करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एक्सटर्नल व्यू। व्हाट इज एक्सटर्नल लेवल? द एक्सटर्नल लेवल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज ऑफ अ डेटाबेस। ईच एक्सटर्नल व्यू इज द व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर यूजर अबाउट द सिस्टम। Different users conceive the system in different ways. Each user is interested in one part of the system and ignore the other parts. One user may not be aware of the whole system at all. अब इसमें देखिए, वो कह रहे हैं कि हर यूज़र अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्यू से एक पार्ट को देखेगा और दूसरे पार्ट को इग्नोर कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसमें अकाउंटेंट की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर अकाउंटेंट अपने पोर्शन को देख रहा है डेटाबेस में, तो वो एडमिन ब्लॉक में नहीं जाएगा या वो एग्जामिनेशन ब्लॉक में नहीं जाएगा। डेफिनेटली वो अपने व्यू को या अपने जो भी उसकी फील्ड रिलेटेड होगा, वो अपने उस डेटाबेस में रहेगा, ना कि वो एग्जामिनेशन में या किसी और डिपार्टमेंट में व्यू होगा। अगर एग्जामिनेशन के कुछ फीचर्स चेंज हैं, लेट्स सपोज, तो वो एग्जामिनेशन फीचर्स को फॉलो नहीं करेगा। इस तरह से वो एक यूज़र है। सेम दूसरे टाइप का यूज़र अगर हम देखें एग्जामिनेशन को, एग्जामिनेशन यूज़र कभी अकाउंट्स में आके उसको, उसकी डिटेल्स में, उसकी फील्ड्स को टच नहीं करेगा। सो दिस इज़ द एक्सटर्नल यूज़र्स, जिसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, व्यूज़ हो सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो डेटाबेस को फॉलो कर रहे हैं। सम व्यूज़ माइट इंक्लूड वर्चुअल और कैलकुलेटेड डाटा। वर्चुअल डाटा इज़ द डाटा दैट इज़ नॉट एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस बट क्रिएटेड व्हेन नीडेड। For example, the product name and its price can be stored in the database. The total bill can be created as when desired. For example, अब जैसे कि उसने कहा कि सम व्यूज़ या उसमें कुछ ऐसे व्यूज़ हैं डाटा में हमने स्टोर किए हैं, डिफरेंट व्यूज़ में भी, इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दी थी लास्ट लेक्चर में भी, डेट टाइम की, वो किसी भी व्यू के साथ डेट और टाइम को सेव किया जा सकता है, बट वो टाइम तो सेम रहेगा वो किसी भी फॉर्मेट में अगर हम उसको सेव करें। इसी तरह से डेट किसी भी फॉर्मेट में लिखें, डेट तो सेम रहेगी, जस्ट उसका फॉर्मेट चेंज होगा। क्लियर? अब उसने नेक्स्ट वो कह रहा है वर्चुअल और कैलकुलेटेड डाटा की एग्जांपल दे रहा है। वो वर्चुअल और कैलकुलेटेड डाटा क्या होंगे? जैसे कि उसने एग्जांपल दिए कि प्रोडक्ट नेम और उसके प्राइस तो उसमें सेव होंगे। अब बिल किस टाइम क्रिएट होगा? जब वो यूज़र उसको बाय करेगा, जब यूज़र उसको बाय करेगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, वो तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइस जो उसमें ऐड होगी उस डेटाबेस में, वो एट द टाइम ऑफ बिल क्रिएशन, जब बिल क्रिएट हो रहा होगा तब वो उसके अमाउंट उसमें ऐड होके उसका बिल क्रिएट हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ डाटा कॉल्ड द कैलकुलेटेड डाटा और वर्चुअल डाटा दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड या क्रिएटेड व्हेन नीडेड। एक्सटर्नल लेवल इज डिस्क्राइब्ड इन एक्सटर्नल स्कीमा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब स्कीमाज। External schemas refer to different views of data. Next, logical or conceptual view of data. View 1, view 2 and view 3. अब देखिए, इसमें example दी है, this is the middle level view in 3 level architecture. The logical or conceptual level describes the data stored in the database. It contains the definition of the data to be stored in the database. It contains the definition of the data. Again, I am reading this line. It contains the definition of the data
to be stored in the database. It also contains the rules and information about the structure and type of data. It is the complete description of data stored in the database. That is why it is known as community view of the database. Conceptual या logical, जैसा कि वो by word define हो रहा है, जो बहुत मिल आ रही है। जैसे कि वो बाई नेम आपको शो हो रहा है, लॉजिकल और कंसेप्चुअल क्या होता है, जिसके जिसमें हम अपना स्ट्रक्चर जस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं या उसका फॉर्मेट हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम अपना डाटा सेव करवा सकते हैं। व्यू वन में देखिए, किसी भी पर्सन का उसमें डाटा स्टोर करवाया जा रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसका फॉर्मेट कुछ और है, एज यू कैन सी फ्रॉम यू लुक एट व्यू टू, नेम रज़ा अली, एज 26 years, डिपार्टमेंट सेल्स। डाटा पर्सन का ही सेव हो रहा है बट उसका पर्सपेक्टिव या उसका व्यू चेंज है। इन व्यू थ्री, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड डिपार्ट। ठीक है, अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि वो डाटा ही स्टोर करवाया जा रहा है बट उसके डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, उसका फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है। तो लॉजिकल और कंसेप्चुअल व्यू में हम डाटा की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, डाटा की डेफिनेशन या उसके रूल्स कि किस रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा डाटा स्टोर होगा, कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग हमने अपना डाटा को इस स्ट्रक्चर में मेंटेन करना है। दिस इज द लॉजिकल और कंसेप्चुअल व्यू ऑफ डाटा, जिसको हम मिडल लेवल व्यू भी कह सकते हैं। ये देखिए, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड डिपार्ट नंबर। अब ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर जब एक दफ़ा क्रिएट हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर में हमारा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, बट उसमें डाटा हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसमें अली रज़ा एंड मोहम्मद अब्दुल्ला आपको एग्जांपल में शो हो रहा है। अगर मैं इसमें पर्सन चेंज कर दूँ, इसमें पर्सन इंक्रीज कर दूँ या पर्सन डिक्रीज कर दूँ, वॉट एवर, इसका फॉर्मेट चेंज नहीं होगा बट उसमें उसका डाटा चेंज हो सकता है। दिस इज द conceptual or logical data. This level contains the logical structure of entire database as seen by DBA. It hides the details of physical storage structure. The conceptual level represents the following. Conceptual level में क्या क्या entities show हो सकती हैं, all entities, their attributes and their relations, the constraints on the data, semantic information about the data, security and integrity information. अब ये सबसे पहले देखिए, ऑल एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप। इसमें तीन चीज़ें हमारे पास हैं। एंटिटी क्या है? कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई थिंग, कुछ भी हो सकती है। कोई भी बेसिक हमारे पास एंटिटी पे बेस करता है कॉन्सेप्चुअल लेवल का डाटा। अब जो भी एंटिटी आपने ली है, उस एंटिटी के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कुछ फंक्शंस हैं, जिसको हम करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। थर्ड, रिलेशनशिप का वर्ड यूज़ किया है। रिलेशनशिप को आप एसोसिएशन वर्ड के नेम से भी कॉल कर सकते हो कि उस एंटिटी का सेकेंड एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है या उस एट्रीब्यूट के साथ किस तरह से वो रिलेशन क्रिएट हो रहा है। सेकेंड है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स ऑन द डाटा। कॉन्स्टेंट्स ऑन द डाटा को हम रूल्स भी कहते हैं कि उस पर रूल्स क्या अप्लाई किए जा सकते हैं। सिमेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा, जिसको आप मेटा डाटा भी कह सकते हो, डाटा की इंफॉर्मेशन, डाटा का मीनिंग कि विच पर। कॉन्स्टेंट्स ऑन द डाटा, जिसमें हम उसके रूल को डिफाइन करेंगे, फॉर विच पर्पज ऑफ डाटा। सिमेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा, सिमेंटिक इंफॉर्मेशन मेटा डाटा को भी आप कह सकते हो कि उसके डाटा की मीनिंग या डाटा की इंफॉर्मेशन जिसमें आप स्टोर करोगे। सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी इंफॉर्मेशन, जिसमें डाटा की एक्यूरेसी देखी जाएगी, उसमें कोई एरर नहीं हो, एरर फ्री डाटा सेव किया जाए। द कंसेप्चुअल लेवल सपोर्ट्स ईच एक्सटर्नल व्यू। इट मीन्स दैट एनी डाटा रिक्वायर्ड बाय एनी यूजर मस्ट बी अवेलेबल फ्रॉम कंसेप्चुअल लेवल। किसी भी व्यू में डाटा उसको अगर एक्सटर्नल लेवल पे चाहिए तो वो मस्ट बी अवेलेबल एट द कंसेप्चुअल लेवल। डेफिनेटली उसका स्ट्रक्चर अगर डिज़ाइन किया जा चुका है तो वो डाटा किसी भी टाइम आप कंसेप्चुअल लेवल से ले सकते हो। द कंसेप्चुअल मॉडल इज कंपेरेटिवली कॉन्स्टेंट। एज आई टोल्ड यू कि हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल का जो भी डिज़ाइन या फॉर्मेट होगा वो हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा। डी बी ए डिज़ाइन द कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू फुलफिल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ देयर इज एनी चेंज इन एक्सटर्नल मॉडल, द कॉन्सेप्चुअल मॉडल
should be able to accommodate that change. अगर उसमें external model में कोई भी change आ जाता है तो वो क्या होगा, conceptual model should be able to accommodate that change. वो conceptual model easily उस change को accommodate करेगा या उसके according उसकी चेंजिंग होंगी जो एक्सटर्नल लेवल पे हो चुकी हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एनी चेंज इन द कॉन्सेप्चुअल मॉडल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. इट ऑल्सो अफेक्ट्स अदर व्यूज और लेवल्स ऑफ द डाटा. डेफिनेटली अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा तो वो डिफरेंट डाटा की फॉर्म्स भी चेंज हो सकती हैं, डाटा के मेथड्स भी चेंज हो सकते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट लेवल, इंटरनल और फिजिकल लेवल. इंटरनल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर डाटा ऑन स्टोरेज मीडिया. It describes the physical representation of database on the computer. It describes how the data is stored in database. It covers the data structures and file organization used to store data on storage devices. Internal level में हम क्या चीज़ देखते हैं, internal level basically हमारे पास database corporate database है कि हम अपने स्टोरेज डिवाइसेस पे डेटाबेस को किस तरह स्टोर कर रहे हैं. ये ऑल डाटा जो हमने कंसेप्चुअल लेवल या एक्सटर्नल लेवल पे देखा, बेसिकली वो फिजिकल लेवल पे इंटरनल लेवल पे हम उसे स्टोर किस तरह से कर रहे हैं, किस फॉर्म में कर रहे हैं, या उसके लिए स्टोरेज मीडिया हमें कितना रिक्वायर है. स्टोरेज मीडिया में हम अपने डाटा को डिफरेंट वेज में किस तरह स्टोर कर सकते हैं. इंटरनल एंड फिजिकल लेवल्स आर नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी सेम. इंटरनल और फिजिकल लेवल सेम कंसिडर किया जाता है बिकॉज इन बोथ द वेज डाटा को कॉर्पोरेट डेटाबेस फॉर्म में हम देखते हैं कि डाटा को हम स्टोरेज मीडिया पे स्टोर किस तरह से कर सकते हैं. और ये तमाम हमारे पास इसकी फंक्शनैलिटीज किसके थ्रू परफॉर्म होंगी, बाय DBA. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर डाटा, टू रिट्रीव डाटा एंड टू अपडेट द डाटा. For example, it selects a specific file organization for storing data on the disk. It also creates specific indexes to implement that file system. It uses the same index information for retrieving the data from the disk. वो किस information के साथ data को save कर रहा है और किस name के साथ उस file को retrieve कर रहा है. ये तमाम information, ये तमाम functionalities किसके through perform होंगी, by DBA, database administrator. DBMS performs storage space utilization to consume minimum space for storing data. Database management system basically क्या functionality perform कर रहा है हमारे database को, कि हम large amount of data को easily इसे store कर सकते हैं by using minimum space for storing data. Data compression can be performed for this purpose. Data compression क्या होता है, data compression ये होता है कि हम अपने large volume of data को short volume of data में compress कर लेते हैं. जैसे कि आप file ज़िपर को आप लोग यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास लार्ज फाइल्स होती हैं तो उसे हम ज़िप फाइल में करके एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करवा सकते हैं. ज़िप फाइल में हमारे फाइल्स सेव हो जाती हैं बाय यूजिंग स्मॉल स्टोरेज स्पेस. इंटरनल लेवल इज डिस्क्राइब्ड इन इंटरनल स्कीमास. दे डिस्क्राइब द इंटरनल मोड. दे कंटेन द डेफिनेशन ऑफ स्टोर्ड रिकॉर्ड्स, मेथड्स, रिप्रेजेंटेशन, डेटा फील्ड्स, इंडेक्सेस एंड मेनी मोर. दिस इज ऑल द लेवल ऑफ डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम बेसिकली डेटा किस तरह फर्स्ट लेवल एक्सटर्नल लेवल पे दिखते कैसे हैं, उसे यूज़ कैसे करते हैं. उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट उसकी कॉन्सेप्चुअल, उस डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, उस डेटा को हम स्टोर किस बेस पे करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा उसको स्टोर करने का. एंड द थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है, फिजिकल और इंटरनल लेवल. बेसिकली हमारी स्टोरेज जो भी हो रही है डेटाबेस में, हम अपना डेटा स्टोर करवा रहे हैं, वो किस तरह स्टोरेज मीडिया पे स्टोर हो रहा है बाय कंप्रेसिंग फाइल्स, और किस तरह से वो उसको मैनेज कर रहा है. दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैपिंग का. व्हाट इज मैपिंग क्लास? मैपिंग हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम एक लेवल का डाटा दूसरे लेवल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कन्वर्टिंग वन लेवल टू अनदर लेवल. इन दिस प्रोसेस द डाटा एट वन लेवल इज रिलेटेड टू द डाटा एट अनदर लेवल. देयर आर टू लेवल्स ऑफ मैपिंग, फ्रॉम द कंसेप्चुअल लेवल टू द इंटरनल लेवल, फ्रॉम द एक्सटर्नल लेवल टू द कंसेप्चुअल लेवल. दो तरीके हैं, एक कंसेप्चुअल लेवल से इंटरनल लेवल और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल लेवल से कॉन्सेप्चुअल लेवल. इससे हम अपना मैपिंग करवाते हैं डाटा. अक्सर आप ये वर्ड यूज़ करेंगे हम डेटाबेस मैनेजमेंट में कि अपना डाटा मैपिंग करवाया जाए, या बाय यूजिंग मैपिंग वी कैन कन्वर्ट डाटा.
सो वो कन्वर्टिंग क्या होती है? कन्वर्टिंग में दो टाइप्स हैं उसकी, कंसेप्चुअल से इंटरनल में और एक्सटर्नल से कंसेप्चुअल में। सबसे पहले कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग हम देख लेते हैं। द कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग डिफाइंस द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द कंसेप्चुअल व्यू एंड स्टोर्ड डेटाबेस। इट स्पेसिफाइज हाउ कंसेप्चुअल रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एट इंटरनल लेवल। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर्ड डेटाबेस इज चेंज, if the structure of stored database is changed, then the conceptual internal mapping must be changed according to that, so that the conceptual schemas can remain consistent. It is the responsibility of DBA database administrator to manage such change. conceptual level में वो data internal mapping से ले रहा है, मतलब कि उसके physical data से उसको convert करवा रहा है। उसके physical data से हमें means के जो database में हमने store करवाया वहाँ से हमने करके भी data retrieve करना है, तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग। कंसेप्चुअल वे में वो अपना डाटा वहाँ से रिट्रीव कर रहा है, बेसिकली जहाँ पे स्टोर किया गया है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एक्सटर्नल लेवल, उसके बाद कंसेप्चुअल एंड देन इंटरनल। कंसेप्चुअल से इंटरनल लेवल मैपिंग हो रही है हमारे पास, कंसेप्चुअल स्कीमा टू इंटरनल स्कीमा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल। एन एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग डिफाइंस अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन अ particular external view and conceptual view. Generally, the differences between these two levels are similar to the differences between conceptual view and stored database. For example, fields can have different data types, fields and records names can be changed, several conceptual fields can be combined into single field, any number of external views can exist at the same time. Any number of users can share a given external view and different external views can overlap with each other. अब external से conceptual mapping में क्या होगा कि user वो किसी भी type का data या किसी भी form का data वहाँ से extract कर सकता है किसी भी time में। For example, आपको जैसा कि ये views view 1, view 2 and view 3 show हो रहा होगा book में। View 1 में देखिए ले वो person का ही data रहे हैं but different formats में वो ले रहे हैं external level पे। अब external level में वो just उस view को दिखा रहा है, जबकि कॉन्सेप्चुअल व्यू में हमारे पास क्या है, वो डाटा स्टोर है इन लाइक दिस नेम DOB एंड डिपार्टमेंट नेम। ये हमारे पास एक इस फॉर्मेट में डाटा स्टोर है बट उसको एक्सटर्नल व्यू में वो किसी भी व्यू में डाटा को व्यू किया जा सकता है। क्लियर। सेकंड टॉपिक हमारे पास है डाटा इंडिपेंडेंस का। द सेपरेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। सेपरेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक डाटा वो जो हमारा डेटाबेस में स्टोर है और दूसरा वो प्रोग्राम एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम उस डाटा को यूज़ कर रहे हैं, उस डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं या उस डाटा तक हम अपनी रसाई यूज़ कर रहे हैं, तो उस फॉर्म को हमने चेंज करना है। सेपरेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ DBMS. It is the most important advantage of three-level architecture. Three-level architecture की सबसे ज़्यादा advantage ये है कि easily हम यहाँ पे अपना data किसी भी form में किसी भी view में separate कर सकते हैं। For example, अगर हमने उसे external view पे देखना है तो आपको just external view, user internal में नहीं देख सकता, internal में जो काम कर रहा है वो external view का use नहीं कर रहा। This is the data independence. It is the most important advantage of three-level architecture. Another major advantage is that any change in lower level of three-level architecture does not affect the functionality of upper levels. अगर आप lower level पे कोई भी changes कर रहे हैं तो वो upper level में उसकी changes को disturbance नहीं create करता। For example, अगर आप कोई structure change कर देते हो अपने lower base में, कभी आपने note किया कि आपके lower level पे मीन्स इंटरनल लेवल जहाँ पे आप फिजिकली डाटा स्टोर कर रहे हो वहाँ पे फाइल एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में रख दो, आपको एक्सटर्नली तो उस नेम से जब भी आप कॉल करोगे वो उसकी प्लेस कोई भी हो वो आपको फाइल शो होगी, वो आपको डाटा शो होगा। डजेंट मैटर कि वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में उसे स्टोर करवाया जाए। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस में क्या है, दो टाइप्स हैं हमारे पास, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड द सेकेंड इज लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। Physical independence is a type of independence that enables a user to change the internal level without changing the conceptual level. Physical data में हम क्या change कर रहे हैं, physical part हमारे पास क्या है, जहाँ पे हम अपनी database, corporate database को use कर रहे हैं।
अपने स्टोरेज मीडिया पे इसको स्टोर करवा रहे हैं, उस फॉर्म में जो भी चेंजिंग आएगी वो हमारे कंसेप्चुअल लेवल को चेंज नहीं करेगा। कंसेप्चुअल लेवल में वो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, क्योंकि हमने तो अपना डाटा किसी भी फॉर्म में हो, वो रॉ फॉर्म में हो या उससे इंफॉर्मेशन फॉर्म में हो, प्रोसेस फॉर्म में हो, उसको हम फिजिकल फॉर्म में स्टोर करवा रहे हैं अपनी कॉर्पोरेट डेटाबेस में। इन अ DBMS फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में चेंज विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑल्टरिंग द यूजर्स व्यू ऑफ डाटा इट इज़ पॉसिबल बिकॉज DBMS यूजेस एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज द कॉल्ड जिसमें आप किसी एक फॉर्म में चेंज करें तो वो सेकेंड फॉर्म में उसकी चेंज को डिस्टर्ब नहीं करता। डेटा इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द वे इट इज फिजिकली स्टोर्ड ऑन द डिस्क टू द रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सेस टेक्निक्स यूज बाय द लॉजिकल व्यू। अब इसमें डिफरेंट क्या है, द चेंजेस मे बी परफॉर्म्ड एट फिजिकल लेवल विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल लेवल एज फॉलोज। इसमें क्या क्या चेंजिंग हो सकती हैं, चेंजिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज स्ट्रक्चर, वो स्टोरेज स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है चेंज, यूजिंग डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेज, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेज को यूज किया जा सकता है, मॉडिफाइंग इंडेक्सेस, इंडेक्सेस चेंज हो सकते हैं, मॉडिफाइंग हैशिंग एल्गोरिदम, चेंजिंग द एक्सेस मेथड। ये फाइव चेंजेस हैं जो हम उसमें फिजिकल लेवल पे चेंज करेंगे जो कि हमारे कॉन्सेप्चुअल लेवल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इज अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इनेबल्स द यूजर टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल लेवल विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल लेवल। अब उसमें क्या कर रहे हैं वो हमारे पास कि हम उसका फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल लेवल। Some additional information may be added to the database by changing its logical structure. This change should not affect user interaction or application programs. This is known as logical data independence. जब आप उसका structure change करोगे या उसका format change करोगे conceptual level पे, तो उसमें data change नहीं होगा, उसका external view change नहीं होगा। मे बी उसमें कुछ फील्ड्स इंक्रीज हो सकती हैं, मे बी कुछ फील्ड्स डिक्रीज हो सकती हैं, बट वो एक्सटर्नल व्यू को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ही इंटरनल फेज को डिस्टर्ब करेगा। अब उसमें क्या क्या चेंजिंग्स हो सकती हैं, एडिशन और रिमूवल ऑफ एंटिटीज और रिलेशनशिप, एडिंग अ फाइल टू द डेटा बेस, एडिंग अ न्यू फील्ड इन द फाइल, चेंजिंग द टाइप ऑफ फील्ड। आई होप यू पीपल आर सो मच क्लियर अबाउट द डेटा इंडिपेंडेंस, कि फिजिकल लेवल और लॉजिकल लेवल पे हम डाटा किस तरह से चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द अदर स्टोरेज मीडिया। फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल स्टडी अबाउट डाटा मॉडल्स। डाटा मॉडल्स क्या होते हैं इसको प्रोसीड करेंगे हम। टिल दैट प्लीज रिवाइज योर लेक्चर्स एंड योर बुक एंड ऑल्सो मेंटेन योर नोट्स। एज मैं हमेशा की तरह कहती हूँ, एट द एंड ऑफ लेक्चर प्लीज क्लास मेंटेन योर नोट्स एंड मेंटेन योर lecture summary. Allah Hafiz.